हेलो फ्रेंड, सक्सेस ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे UPPCL ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम का रिव्यू 3। फ्रेंड, ये रिव्यू 21 फेब के सेकेंड शिफ्ट से ज़्यादातर रिलेटेड है, ठीक है। इस पेपर में पूरा का पूरा एकदम सेटअप चेंज सा बोल सकते हैं, और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और ये बात एकदम सही है, जो जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था कि पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है, ठीक है, तो वो इस पेपर में दिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड, जिन कैंडिडेट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें चैनल्स के अपडेट सभी मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वो अगर टेलीग्राम, फेसबुक या ट्विटर से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो इस तरीके से जुड़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहली बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में फ्रेंड, क्वेश्चंस काफ़ी घुमावदार थे और बहुत ही ज़्यादा डीप में पूछे जा रहे थे, ठीक है। हम अगर MS वर्ड की बात करें, ठीक है, तो ग्राफिक्स से रिलेटेड पूछ लिया गया था, ठीक है। एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में स्प्रेडशीट फार्मूला से क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, ठीक है। और पावर पॉइंट्स की बात करें तो इसमें भी काफ़ी डीपली क्वेश्चन एनिमेशन, ट्रांजिशंस, इन सभी से पूछे गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी डीपली पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, वो ईजिली यहाँ से अपने क्वेश्चंस के मार्क्स खींच पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इन्वेंशंस की बात करें, 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि पंच कार्ड का एक क्वेश्चन आया था कि पंच कार्ड किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। ऐसे ही इनायक का आया था क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड रहे थे, ठीक। तो इस तरीके से 3 से 4 क्वेश्चंस रहे थे। शॉर्टकट्स की बात करें, शॉर्टकट्स के क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस थे, जिसमें फंक्शंस की, जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि फंक्शंस की के आप देख लीजिएगा कि फंक्शंस की का क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि आप फाइल का नेम चेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में फंक्शन की का पूछा गया था क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बात की जाए तो उबंटू और उसे कहते हैं यूनिक्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हर किसी सेक्शन से कुछ ना कुछ आए हैं। फुल फॉर्म की बात की जाए, फुल फॉर्म के क्वेश्चंस भी 3 से 4 क्वेश्चन से, जैसे एडबैक का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। और उसे कहते हैं इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और पूछे गए थे। अदर्स की बात करें, बाकी अदर्स में क्वेश्चंस जो आपके रहे 17 से 25, प्रिंटर का पूछा गया था कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। और बाकी आपसे मेमोरी बेस्ड पूछे गए थे, ठीक है, जैसे कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है। जिनके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो इसको ज़रूर देख लें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। बाकी एक प्लॉटर का क्वेश्चन था, ठीक है, ये पूरा हम डिस्कशन सेकंड वीडियो में डाल देंगे क्योंकि इससे वीडियो बढ़ेगा नहीं है, तो फिर ठीक है। तो ये प्लॉटर का क्वेश्चन था, बाकी प्रिंटर्स के क्वेश्चन तो हो ही गए, और भी यूटिलिटीज से क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा डिस्कशन करके आपको डाल देंगे। इस तरीके से देखा जाए, जिन कैंडिडेट ने अगर 35 क्वेश्चन भी किए जाएँ तो उनके बहुत अच्छे अटैम्प्ट रहे, क्योंकि उन्हें डीपली नॉलेज है क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो इस तरीके से 35 से 40 क्वेश्चन थे। पेपर का लेवल इजी से मॉडरेट था, क्योंकि ये क्वालिफाइंग था तो ज़रूरी नहीं है कि इसके इसमें ज़्यादा स्कोर करना हो, ठीक है। तो क्वालिफाई 20 मार्क्स थे। बात करेंगे अब नेक्स्ट देखेंगे रीजनिंग का। फ्रेंड, रीजनिंग का पेपर बहुत ट्विस्ट किया हुआ था, लेंथी था, ठीक है, और जैसा सोचा जा रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इसमें हम बात करेंगे ब्लड रिएक्शंस की। फ्रेंड, ब्लड रिएक्शंस के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कोडिंग रिकॉर्डिंग्स के 3 से 4 क्वेश्चन रहे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के 5 से 6 क्वेश्चन रहे, ठीक है। पजल कॉम्बिनेशन के 6 से 7 क्वेश्चन, इसके अंदर पजल्स 2 से 3 पजल्स थी, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके से था कि डेटा पूरा ना हो के उसमें कॉम्बिनेशन पूछे गए थे कि अगर ऐसा हो तो उस कंडीशंस में आपके क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर ऐसा हो तो इसमें आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। पजल्स में आपकी जो आई थी वो फ्लोर बेस्ड पजल्स थी आपकी, ठीक है। और आपके कलर्स वाले क्वेश्चंस आए थे जिसमें आपके 4-4 के कॉम्बिनेशंस बनाने थे, ठीक है। एक आपकी रो की पजल्स आई थी, ठीक है, नॉर्थ साउथ की पजल्स आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से 2 से 3 पजल्स रही आपकी। सिटिंग अरेंजमेंट में भी 5 से 6 क्वेश्चंस थे, ठीक है। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में जो आई थी वो आपकी लेफ्ट टू राइट वाली आई थी, ठीक है, इस तरीके की पजल्स थी, ठीक है। इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कशन कर देंगे।
नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो 7 to 8 क्वेश्चंस रहे, ठीक है, जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें से 5 फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से पूछा जा रहा था कि इस बताइए कौन सा ऑड है, ठीक है, या फिर इस तरीके से बता दिया जाए कि इसके 3 पीसेस तरीके से बने हुए हैं तो बताइए चौथा पीस क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे, 7 to 8 क्वेश्चंस थे। आप अगर इस पर डीपली कर पाए, मतलब थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बात जो आई थी, अगर इसमें पेपर का टफनेस बोला जाएगा तो बात थी सबसे बड़ी लेंथी लैंग्वेज, ठीक है, पेपर की जो लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा लेंथी थी, क्वेश्चंस को पढ़ते में काफ़ी टाइम लग रहा था और उसे समझते हुए क्वेश्चंस को करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। इवन ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस थे वो कम से कम 3 to 4 लाइंस के क्वेश्चंस थे, तब आपका एक ब्लड रिलेशंस बनना था। इसी मतलब कि जो इसमें भी आपका एक पजल्स टाइप से बना हुआ था। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें 3 to 4 क्वेश्चंस, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट में इसमें भी जस्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया था कि अगर इस कंडीशन में यहाँ बैठा हो तो उसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पजल्स कॉम्बिनेशंस में हमने आपको बताई दिया, नॉर्मल ये हो ही गया। अदर्स में जो क्वेश्चंस की बात करें तो अदर्स में आपके जैसे क्वेश्चंस रहे वो कुछ इस तरीके से रहे कि आप इन क्वेश्चंस को अगर थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ते हुए करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे जो 45 क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो काफ़ी लेंथी में थे, लेकिन अगर जिस कैंडिडेट ने समझते हुए टाइम देते हुए क्वेश्चंस को किया होगा तो इजीली इस क्वेश्चंस को कर दिया होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से अगर किसी कैंडिडेट ने 30 to 35 क्वेश्चंस किए थे तो उसके काफ़ी अच्छे स्कोर रहे हैं, ठीक है, उसे ज़्यादा उस प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। इसका जो पेपर का लेवल बोला जाएगा मॉडरेट होगा, क्योंकि इसमें पेपर लेंथी था, ठीक है, समझना पड़ रहा था, क्वेश्चंस को करना पड़ रहा था, ठीक है। अब बात करेंगे जनरल नॉलेज की, स्पेलिंग हमेशा मिस्टेक रह जाती है क्योंकि चेंजेस नहीं होता उसमें। बात करेंगे जनरल नॉलेज की, हिस्ट्री की देखेंगे, हिस्ट्री के 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, और बहुत डीपली पूछे गए थे, ठीक है। ऐसे ही हम पॉलिटी की बात करेंगे तो 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, ये भी कुछ डीपली टाइप से ही क्वेश्चंस थे, क्योंकि इसमें भी कुछ सिंपल ऐसे नहीं पूछ लिया था कि कोई अनुच्छेद या उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर्स की बात करेंगे, 2 to 3 क्वेश्चंस रहे, ठीक है, और वो भी इसी नहीं बल्कि वो थे जुलाई के, ठीक है, और साथ के साथ एक उसे कहते हैं एक आपका फिल्म फेयर मतलब सॉरी अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस था, ठीक है, बीजिंग का शायद अवार्ड्स में था, तो 2017 का मतलब कि फिल्म की कौन सी फिल्म थी जो जिसने जीता था अवार्ड, ठीक है, तो इस तरीके से था, उसमें न्यूटन पिंक, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस भी थे। ज्योग्राफी की बात करें 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, जैसे कि एक सबसे लावा से भरा हुआ जो ज्वालामुखी है उस कहाँ पर है स्थित है, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस रहे। सोलर सिस्टम के एक क्वेश्चंस आया था, ठीक है, और इकोनॉमी से 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, जैसे GDP में D का मतलब क्या है, ठीक है, इसमें लेकिन कुछ सिंपल ही क्वेश्चंस थे, ज़्यादा टफनेस नहीं थी, लेकिन बाकी जितने भी सेक्शंस थे उसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ रहा था। जैसे एक क्वेश्चन था सॉल्ट वन, ठीक है, वो संधि कहाँ हुई थी, किसके साथ मतलब किस सन में हुई थी, तो ये चीज़ क्वेश्चंस थे। गुड अटैम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे सेम वही 12 to 15 क्वेश्चंस के अंदर रहा। इस पेपर में देखने वाली बात ये थी कि कैपिटल करेंसी से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। पेपर का लेवल मॉडरेट। अब बात करते हैं हिंदी की, हिंदी की बात करें पेपर पूरी तरह से चेंजेस था, जो पेपर बाकी सेक्शंस में देखा गया वो यहाँ नहीं देखा गया। रिक्त स्थान की पूर्ति 4 to 5 क्वेश्चंस रहे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 to 3 क्वेश्चंस थे। गद्यांश की बात करें 7 to 8 क्वेश्चन 2 पजल्स के अंदर थे। फ्रेंड इस पेपर्स में अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस काफ़ी गलत थे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस भी कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत थे जिसके सभी को मार्क्स मिलेंगे। पर्यायवाची शब्द के बारे में बात की जाए तो 4 to 5 क्वेश्चन पर्यायवाची के आए थे। मुहावरे की में भी 4 to 5। विलोम शब्द की बात की जाए 1 to 2 क्वेश्चन ही रहे। संज्ञा सर्वनाम में 4 to 5 क्वेश्चन रहे, ठीक है। संधि समास 8 to 10 क्वेश्चन रहे, ठीक है। पदबंध का केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। रस का रस से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, श्रृंगार रस और व्यय रस के क्वेश्चंस थे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अलंकार का भी क्वेश्चंस आया था, ठीक है, जिसमें अलंकार में उसे कहते हैं अनुप्रास का था शायद। तो इस तरीके से 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ रहे थे। तो इस तरीके से पेपर्स का लेवल मॉडरेट लेवल था। 40 to 45 क्वेश्चंस जिन कैंडिडेट्स ने किए वेल एंड गुड क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दें, इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ विक बुक्स में स्टार्टिंग में ही दिया होता है, जैसे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस थे जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के बारे में बता देंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब बात करेंगे इंग्लिश के बारे में,
ठीक है, इंग्लिश में हम बताएं, इंग्लिश में काफ़ी चेंजेस देखे गए, ठीक है, जहाँ पर फिलिंग सॉरी जहाँ पर करेक्टर वर्ड्स जो आ रहे थे वो कम से कम 12 से 15 आ रहे थे, वो कल के एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चंस ही रह गए, ठीक है, जब कॉम्प्रेंसिव था वो लगभग 4 कॉम्प्रेंसिव आए, 3 से 4 कॉम्प्रेंसिव रहे थे, ठीक है, लेकिन कॉम्प्रेंसिव ऐसा नहीं था कि सीधे सीधे जैसे यहाँ पैसेज दिया है आपको फटाफट उसका एक क्वेश्चन क्वेश्चन दे दिए गए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पैसेज से रिलेटेड रहा, ऐसा नहीं था, पैसेज के साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर है तो हो सकता है पहले नंबर पे कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है 10वें नंबर पे हो, फिर हो सकता है 15वें नंबर पे हो, और हो सकता है पहले पे आपका फर्स्ट पैसेज का पहला क्वेश्चन और दूसरा में आपका पैसेज 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से पैसेज थे तो थोड़ा सा घुमावदार रहा, आपको डायरेक्ट करने के लिए मौका नहीं मिला, ठीक है, लेकिन इसे करने का तरीका ये था कि आप पहले पैसेज को सभी को छोड़ते जाएं, बाकी सारे क्वेश्चंस को अटेंड करें, देन उसके बाद लास्ट में पैसेज को अटेंड करें, तो जिससे कि आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, करेक्टिव वर्ड्स 3 से 4 क्वेश्चंस है, कॉमन एरर्स सॉरी 4 से 5 रहे, सॉरी कॉमन एरर्स 12 से 15 थे, ठीक है, तो वो अब 3, 4 से 5 ही रहे इसमें, फिर इन द ब्लैंक्स से लेकर कम से कम 2 पजल्स आई थी, क्लोज टेस्ट 6 से 8 क्वेश्चंस रहे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के काफ़ी कम थे 3 से 4 क्वेश्चंस, आइडियम फ्रेजेस भी आप अगर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चंस थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अगर थोड़े बहुत भी पड़े होंगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे। इस तरीके से पेपर की बात करें तो जिसके सॉरी यहाँ पे चेंजेस करना भूल गया, 45 to 55 नहीं, जबकि यहाँ पे जो आपके जिन कैंडिडेट ने 35 से 40 क्वेश्चंस सही तरीके से अटेंड किए होंगे, ठीक है, बल्कि कह भी सकते हैं कि 40 से 45 क्वेश्चंस भी अटेंड कर दिए होंगे सही तरीके से, तो वो इजीली कोई से प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है, इजीली अच्छी तरह से गुड स्कोर किया है उसने। पेपर का लेवल रहेगा इजी से मॉडरेट, ठीक है, ये कंपेरेटिव टू हिंदी काफ़ी सही था, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप उससे बिना पढ़े भी कर सकते थे, ठीक है फ्रेंड, तो ये थी सभी इन्फॉर्मेशन, वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज शाम तक उस वीडियोस को डाल दिया जाएगा, ओके फ्रेंड, थैंक यू, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको चैनल्स के सभी अपडेट्स मिले, ओके फ्रेंड, थैंक यू।